साईं की ओर उठाया हुआ मेरा ये पहला कदम, मुझे मेरे बाबा से मिला देगा, मुझे मेरे बाबा से मिला देगा। बस यूं कह लो मेरा भाग्य बना देगा। साईं की ओर उठाया हुआ मेरा ये पहला कदम। ओम साईं राम। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 28 में वर्णन है जिसमें एक समय बाबा कहते हैं कि मेरा भक्त चाहे हजार कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो शिरडी को ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी चिड़िया स्वयं ही आ जाती है। यह यकीनन सत्य है, आज भी बाबा विश्व भर से साईं भक्तों को चुन चुन कर शिरडी की ओर बुलाते हैं। आप सभी ने एक साईं भजन की लाइनें सुनी होंगी, जिसके नाथ साईं नाथ वो अनाथ कैसे होगा। यह लाइनें पूर्णतया सत्य हैं, बस जरूरत है श्रद्धा और सबूरी की। आइए आपकी मुलाकात एक ऐसी साईं भक्त से करवाते हैं जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, पर बाबा ने स्वयं ही उसकी परवरिश की और फिर अपनी उस बेटी को शिरडी से करीब 1200 किलोमीटर दूर शिरडी बुलाकर शिरडी ग्रामवासी बना दिया। आइए आपकी मुलाकात बाबा की एक बिटिया भावना आचार्य से करवाते हैं जो शिरडी निवासी बन चुकी हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं साईं की ओर मेरा पहला कदम। जय साईं राम। मेरा नाम भावना आचार्य है और मैं शिरडी निवासी हूँ। मैं बाबा से वैसे तो बहुत बचपन से ही जुड़ गई थी। एक्चुअली मेरी दादी माँ हमारे नेबर में एक उनकी फ्रेंड थी, उनकी बेटी बाबा को बहुत मारती थी, तो वो मुझे अक्सर बोला करती थी कि बेबी बुआ के घर चली जा, जो सबका मालिक एक को मानती है। तो मैं सोचती थी क्या कहती है, वो माइंड में मेरे क्लिक हो गया कि सबका मालिक है कि साहिबा। तो मैं जब भी उनके घर जाती थी तो मैं देखती थी कि उनके घर में बाबा का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है और उनको देखकर मुझे अच्छा लगता था, सुकून मिलता था कि कोई है। ये नहीं पता था कि वो कौन है, बट अच्छा लगता था, तो मैं उनको देखती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि बचपन में इतना पता चला तो वो कहीं माइंड में रह गया होगा, कोई अट्रैक्शन होगा। तो मैं एक बार देहरादून घूमने गई थी फैमिली के साथ, तो वहां पर राजपुरा मंदिर था, राजपुरा रोड पर एक साईं बाबा का मंदिर था। तो हमें ऑटो वाला घुमा रहा था तो वहां पे वो मंदिर भी ले गया कि ये बाबा का भी मंदिर बना है और बहुत सुंदर मंदिर है। तो मैं वहां बाबा के मंदिर को देखने गई, तो वहां मैंने जब मैं अंदर जा रही थी तभी दुकान पर एक बाबा का चित्र लगा हुआ था, वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। तो क्या हुआ, मैं उस चित्र को देखती रही। फिर मैं जब अंदर चली गई, पूजा वूजा करके बाहर आई, तो तब भी वही चित्र पर मेरी नजर पड़ी। तो मैंने बाबा के उस फोटो को बड़े गौर से देखा और ना हम लोग चले गए। तो काफी आगे जाके मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझे बुला रहे हैं कि नहीं तू मुझे साथ ले चल। तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई, मैंने अपने चाचा को बोला, चाचा मेरे को ना क्या कहते हैं वो वहां उस दुकान से फोटो लेना है। तो वो बोले कि अरे अब निकल गया तू चल। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने ऑटो वाले भैया को जिद करके ऑटो मुड़वाया और वहां जाके उस फोटो को मैंने ले लिया। तो रात को उस फोटो को मैंने रख दिया बैग में पैक करके, और जब मैं अगले दिन आई अपने घर आई तो मैंने सोचा कि मैं बाबा को ना कहाँ पे स्थान दूँ। मुझे उनके बारे में बिल्कुल ठीक से कुछ भी नहीं पता था, ना ही मुझे उनकी महिमा पता थी। बट क्या हुआ कि मैंने उनको अपने बेड के बिल्कुल ऊपर दीवार पर लगा दिया, और क्या कहते हैं क्या जब भी मैं जाती आती बस उनको देख के मुस्कुरा देती थी और हर बात उनसे करने लग गई। मगर रात को अक्सर क्या होता था, जब भी मेरी आंख खुलती थी तो मुझे डर लगता था, उनको देख के थोड़ा सा डर लगता था, अट्रैक्शन भी था और डर भी लगता था। बट फिर भी मेरा एक नियम बन चुका था कि मैं आते जाते उनको देखना और उनसे बताना, अपनी हर बात को शेयर कर देना, और क्या कहते हैं बस इतना ही मेरा उनका रिलेशन बन के रह गया। फिर क्या हुआ कि एक बारी कोई मेरे फ्रेंड के कोई कजन थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, वो बाबा को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, और वो मुझे जा रहे थे साईं मंदिर। तो वो ऐसे ही बोले कि ना मैं आज नोएडा मंदिर जा रहा हूँ साईं मंदिर, और मुझे वहां जाना है, आप तुम सब बच्चों को चलना है। तो अचानक ही मैंने बोल दिया भैया मुझे भी ले चलो, तो वो हमको ले गए। मैं वहां गई, मुझको बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरा इनसे कोई बहुत गहरा कोई रिलेशन है। तो मैंने क्या किया कि उनको देखती रही और बस मैंने सोचा आपका घर है ये, आप यहाँ रहते हो,
और आप तो आपका मतलब मुझे वो साईं महल बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने बाबा को देखा और बस मैं बातें कर रही थी, मतलब उनको देखकर पता नहीं क्यों मुझे उनसे बातें करने का बड़ा मन करता था। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जिसने कभी जीवन में शिरडी देखी ही ना हो और शादी ही शिरडी में हो जाए और शादी के जोड़े में पहली बार बाबा के दर्शन करने पहुंची, बाबा से रूबरू हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने इस आश्चर्य चकित चमत्कार को बताते हुए भावना आचार्य जी भावुक हो उठी। मैं शिरडी बाबा के मंदिर में 19 जनवरी को मेरी मैरिज हुई। जब पहली बार मैं बाबा को मिलने गई शिरडी, तो मैं शादी होकर गई और मैं अक्सर बाबा को ये कहा करती थी कि बाबा पता नहीं मेरी शादी कहाँ होगी, वो लोग बिलीव करते होंगे आप में या नहीं, बट प्लीज प्लीज बाबा एक बारी मुझे शिरडी बुला लो, एक बारी शिरडी बुला लो। मुझे नहीं पता था कि बाबा हमेशा हमेशा के लिए मुझे शिरडी बुला लेंगे और मेरी शादी ही वहां होगी। 2 साल पहले बाबा ने मेरे हस्बैंड को वहां शिफ्ट कर दिया था और बाबा के आशीर्वाद से आज फिर से 6 सालों बाद फिर से मुझे शिरडी वासी होने का सौभाग्य मिला है। ये बाबा की रहमो करम है कि हम जो भी जैसे भी उनसे दिल से बोलते हैं, हमारे मन में जो भाव जितना प्योर होता है ना, हमारा समर्पण जितना सच्चा होता है, बाबा उतना ही ज्यादा हमारे को अपना मतलब रूप दिखाते हैं कि वो क्या है हमारे लिए। शुरू में हमने आपको बताया कि जिसके नाथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा, इन लाइनों की हकीकत को बयां करते हुए वो रो उठी और उन्होंने विस्तार से बताया। बताती हूँ आपको, मैंने अभी कुछ समय पहले अपना होरोस्कोप दिखाया था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे पंडित ने बोला कि मेरी शादी के टाइम भी ये किसी ज्योतिष ने बोला था कि मैं अपने ससुराल में एक चांदी का सिक्का या चांदी की ईंट अपने मम्मी से लेकर आऊं, मेरी जिंदगी की ये एक टोटका बहुत जरूरी है, एकदम एक उपाय बहुत जरूरी है। तो बाबा ने ना मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी तो माँ नहीं है और मेरी तो माँ आप हो, मैं तो हमेशा आपको ही माँ मानती हूँ। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले भी बाबा को ऐसे ही बोला और भूल गई थी। तो अभी क्या हुआ ना, 2 दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, बट आज क्या हुआ, मैं हरिद्वार आई हुई हूँ और हरिद्वार के बाबा के फर्स्ट टाइम मैंने बाबा का ये प्रोग्राम अटेंड किया है और इतनी खुश हूं ना कि यहाँ के सब लोगों ने इतना प्यार इतना सम्मान दिया इतना। और उसमें क्या हुआ सबसे बड़ी बात कि जस्ट अभी मैं बाबा के पास बैठी थी और सक्सेना अंकल के बिल्कुल साथ में बैठी हुई, बाबा उनको बोला अंकल क्या अभी ना जस्ट मतलब मैंने अंकल से ऐसे ही बोला कि अंकल मेरे को ना किसी ज्योतिष ने रेमेडी बताई है कि मैं चांदी का एक सिक्का अपनी माँ से लेके रखूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ना मेरी मम्मी तो है नहीं तो मैं साईं बाबा को माँ मानती हूँ, तो आप कहो तो क्या मैं किसी से कह के शिरडी में बाबा को कॉइन दे के उनसे ले लूं। तो अंकल ने बोला हाँ भावना हाँ तू बिल्कुल यही करना, द्वारका माई में बाबा को कॉइन दे के बाबा से तू उनको माँ मानती है वो तेरी माँ है तू ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। उतने में 10 मिनट बीते नहीं होंगे मुश्किल से मैंने ना मेरे दिमाग में आया कि अभी हम लोगों को वापस निकलना है और कल गोगी भैया ने ना बाबा की बहुत प्यारी बुक सबको गिफ्ट की, विकास भैया द्वारा लिखी हुई बुक है बहुत अच्छी है, तो उसमें वो मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं स्पेशली गोगी भैया का पता करके कि वो कहाँ पे बैठे हैं कहाँ रुके हैं मैं उनको पता करके उनके रूम में आई और तो क्या देखती हूँ कि मैंने उनको बोला कि भैया मुझे आपसे बुक चाहिए और बुक दे दो। तो उन्होंने बोला भावना बुक तो सारी वो हो गई है, तो भाई बाबा की गिफ्ट था मैंने बांट दिया सबको, कोई बात नहीं मैं तुझे गाजियाबाद में दे दूंगा। तो इतने महीना वहां पर एक भैया थे भीम भैया और कल बाबा ने मुझे उनको बार बार दिखाया, वो ना बाबा का मीठा बाबा के लिए सबको बांट रहे थे, बड़ी टेस्टी मिठाई थी और वो बांट रहे थे, तब मेरी नजर उन पे पड़ी। तो क्या कहते हैं मैं तब भी बाबा मुझे उन्हीं दिखवा रहे थे, शायद बाबा ने तो पिछले जन्मों के कोई रिश्ते जोड़ रखे होंगे ना, ये भीम भैया है। तो मैंने इनको कल बड़े गौर से देखा और मैंने बाबा को संकल्प ले रखा था कि मैं कुछ टाइम तक मीठा नहीं खाऊंगी, बट मैंने कल उनके द्वारा दिया मीठा बाबा का प्रसाद समझ के खा लिया। और आज क्या होता है कि अभी मैं
रहा था बाबा के लिए, और एकदम से ना उन्होंने पता नहीं उनको क्या हुआ, भैया ने कहा भानो बैठ तो सही 2 मिनट, तो इतने में उन्होंने ना एक सिक्का निकाला, ये सिक्का जिसकी 10 मिनट पहले मैंने बाबा बिल्कुल बाबा का वहां स्नान हो रहा है, बाबा का दूध स्नान हो रहा है, वहां पे भक्त उनका वो कर रहे हैं, पूजा चल रही है, और मैंने बिल्कुल अभी सक्सेना अंकल को ये बात बोली है, और ये देखो ये चांदी का सिक्का भीम भैया ने बिना कुछ कहे बिना कुछ जाने मेरे हाथ में मेरे को थमा दिया, मुझे मजबूर कर दिया ये दिखाने के लिए कि आप एक बार बाबा के सामने अपनी समस्या रखो तो सही, बोलो तो सही, बाबा वो सब कुछ देंगे आपको जो आप उनसे चाहते हो, बस एक विश्वास सच्चा और समर्पण सच्चा होना चाहिए। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं तो द्वारका, मैं तो शिरडी में रखवाना चाह रही थी, पर बाबा ने मुझे जस्ट अभी अभी दे दिया, क्योंकि बाबा जानते थे मेरे जीवन में इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी। बाबा ऐसे माँ बन के ख्याल रखते हैं, इसे कहते हैं साईं माँ। साईं भक्तों को अपने अनुभव के आधार पर भक्तों को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपका विश्वास और आपका भरोसा सच्चा है, आप अपने गुरु को अपने ईश्वर को एक स्तंभ की तरह पकड़कर रखेंगे तो कितना भी बड़ा भूकंप आए वो आपको हिला नहीं सकता, अगर वो स्तंभ मजबूत है, और साईं एक ऐसा स्तंभ है जिसने भी उनको मजबूती से पकड़ा है। याद रखिए वो आपके कर्म पहले काटते हैं और फिर जो आपको देते हैं ना वो इतना अनंत होता है, इसकी गवाह मैं हूं। मैं जब हालातों से हार गई तो मैं लोगों के कहने पर एक बारी किसी ज्योतिष के पास गई अपने हस्बैंड और अपनी हॉरोस्कोप दिखाने के हमारे काम पर क्यों इफेक्ट हो रहा है। उस बंदे ने जब सुना कि मैं साई को मानती हूं, उसने मुझसे बोला तुम कभी सुखी नहीं होगी, तुम साई को मानती हो। मैंने उसको कुछ नहीं कहा और सब मेरा मुंह देख रहे थे कि आज इसकी शामत आने वाली है कि इसके बाबा को किसने कुछ बोल दिया है, बट मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप घर आ गई और मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, मैं ये नहीं सुन सकती कि आपको कोई ये कहे कि तू उसको मानती है तो तुझे दुख मिलेगा। मेरे जीवन में दुख कितने भी बड़े हो, अब आपको उनको समाप्त कर सबको दिखाना है कि मैं आपको मानती हूँ, सिर्फ आपको, और मुझे जो कुछ भी चाहिए चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले आपसे ही चाहिए। वो एक दिन था जब मैंने ठान लिया कि बाबा अब चाहे आप मुझे कितना भी इम्तिहान ले लो, ठीक है मैं नहीं हटने वाली, मैं नहीं हारने वाली, और मैं आज आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो कोई भी बाबा के प्रति ऐसी श्रद्धा रखता है उसको उसका सब कुछ मिल जाता है जो उसे जीवन में चाहिए। आप अपनी भक्ति और अपना विश्वास सच्चा रखिए, कभी भी किसी के कहने से साईं को तोलिए मत, उनका मोल मत कीजिए, साईं अनमोल है, वो स्तंभ है, वो गुरु है जो अपने भक्त को तपाकर हीरा बना देता है, वो हीरा बना देते हैं आपको, और ये सारी दुनिया ये सारा संसार देखेगा बाबा ने तप कर ये अपना रूप पाया है, और वो हमको भी वही देना चाहते हैं कि आप समझो और इस चीज में आगे बढ़े हो तो हटो, जो हट जाते हैं वो फिर भटकते ही रहते हैं और जो टिक जाते हैं वो तर जाते हैं। जय सहराम भैया, मुझे भी आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा, आप हर बार मुझे एक प्रेरणा देते हो बाबा को लेकर, और आज भी आपके थ्रू मुझे बाबा से एक अनमोल तोहफा भी मिला और मुझे आपको ये बताने का एक मौका मिला। प्रस्तुति निहित गुप्ता, साईं लीला टाइम्स। आपको भावना आचार्य जी का साईं की ओर मेरा पहला कदम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ओम साईं राम अवश्य लिखें। अगले एपिसोड में बॉलीवुड के एक अभिनेता का साईं की ओर मेरा पहला कदम, जिनका कहना है मांगा था एक कतरा तुमने समुंदर थमा दिया। कृपया साईं लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम।